Hello students, my name is Monika Gangwar. Today we will study about the lesson An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. Bharatiya American Woman in Space. Bharatiya mool ki American Woman Antriksh Yatri Kalpana Chawla. Is chapter ka name hai. In 1997, an Indian-American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the U.S. Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. In 1997, Indian-American mahila thi Kalpana Chawla was part of international crew aboard the U.S. Space Shuttle Columbia. वह हिस्सा बनी इंटरनेशनल जो क्रू था उसका वह हिस्सा बनी और यूएसए स्पेस शटल जो कोलंबिया था वह पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जो कि कोलंबिया जो स्पेस था उससे बिकम द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इंडिया टू गेन टू स्पेस जो कि स्पेस में अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया के द्वारा अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया जो विमान था उसके द्वारा वो स्पेस में गई थी. सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजडी. बहुत दुख के साथ ये कहा जाता है कि सेकेंड जो मिशन था कोलंबिया का एंडेड इन ट्रेजडी वह एक दुखद घटना के साथ ख़त्म हो गया. In an space tragedy, U.S. Space Shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and six others. In an space tragedy, जब स्पेस में ट्रेजडी हुई अंतरिक्ष में तो वैसे यूएसए स्पेस शटल जो कोलंबिया था उसमें अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कल्पना चावला थी और उनके साथ में सिक्स और मेंबर्स थे वो 1 फरवरी 2003 में किलिंग ऑल सेवन ऑन बोर्ड. वो सारे जो उनके साथ में सात साथी थे वो सारे ही कोलंबिया ट्रेजडी में सारे ही ख़त्म हो गए. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा अबाउट 9 AM. शटल ने कॉन्टैक्ट करना नासा से जो कॉन्टैक्ट था वो बंद कर दिया एज इट केम इन फॉर लैंडिंग. लैंडिंग करना यानी लैंड करना बंद कर दिया उससे बिल्कुल सारा ही कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया. जो कोलंबिया स्पेस शटल था उसका नासा से सारा ही कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया. और तब क्या होता है जो कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसके साथ वो ट्रेजडी उसके साथ में ट्रेजडी हो जाती है और उसके जो कल्पना चावला होती है और उसके साथ में जो सात साथी और होते हैं वो सारे ही मर जाते हैं. लेट्स रीड दिस चैप्टर. कल्पना चावला सेड सी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी graduated from Tagore College School. कल्पना चावला कहती हैं she never dreamed कि उन्होंने कभी भी ये सपना नहीं देखा था as a child in करनाल की एक जो बच्ची जो थी that she would cross the frontiers of space. वह स्पेस को यानी कि स्पेस को क्रॉस कर सकती है यानी कि अंतरिक्ष में जा सकती है कभी भी उसने नहीं सोचा था. इट वॉज इनफ दैट यानी करनाल के एक छोटे से प्लेस की जो कल्पना चावला थी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस जो है अंतरिक्ष में कभी जाएंगी. उन्होंने कभी नहीं सोचा था दैट शी इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल. उनके लिए पर्याप्त था या बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउड कर दिया था कि उन्होंने ग्रेजुएट किया था फ्रॉम टैगोर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया था और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकती हैं. ये उनके माता पिता ने अलाउड कर लिया था तो इनके लिए यही काफ़ी था. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियर अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बैचलर डिग्री के बाद में साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से साइंस डिग्री लेने के बाद में यानी बैचलर डिग्री लेने के बाद साइंस डिग्री में बैचलर करने के बाद में अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर उनके जो पिता थे उनके बहुत ही ज़्यादा विरोध में थे सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. और वह मास्टर डिग्री करने के लिए
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका में से मास्टर डिग्री करने के लिए चली गई। उनके पिता इस बात के बहुत ज़्यादा विरोध में थे और उन्होंने ग्रेजुएट तो कर लिया साइंस डिग्री से, एरोनॉटिकल इंजीनियर से उन्होंने ग्रेजुएट तो कर लिया, लेकिन मास्टर डिग्री के लिए उनके पिता मास्टर डिग्री नहीं कराना चाहते थे और इसके कारण उन्हें अपने पिता का बहुत ज़्यादा विरोध सहना पड़ा। शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद में उन्होंने PhD की एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च्ड पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। जो कल्पना चावला थी वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी, अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च, जिन्होंने लॉन्च किया था पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। उन्होंने जो कैनावरल फ्लोरिडा था उसमें पार्टिसिपेट किया था और ये जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा था अंतरिक्ष का। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उनका जो परिवार था वो इंडिया में परिवार था चीयर्ड, यानी खुशियाँ मना रहा था विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर था उसके साथ खुशियाँ मना रहा था एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया के बंद होने पर, यानी कि ये देख कर कि कोलंबिया लिफ्ट ऑफ यानी कि चला गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड USA सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन। कल्पना का जन्म तो हरियाणा में हुआ था लेकिन ये नेचुरलाइज्ड, यानी कि ये नेचुरलाइज था कि USA सिटीजन से उन्होंने शादी कर ली थी टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन। जीन पियरी हैरिसन से उनकी शादी होने के बाद में नेचुरलाइज्ड वे USA सिटीजन बन गई। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि एस्ट्रोनॉट के अलावा शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लीडर्स। और बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट के अलावा वह लाइसेंस टू फ्लाइट सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, वे लैंड एयरप्लेन्स जो थे सिंगल और मल्टी इंजन के लैंड एयरप्लेन्स थे उनको उड़ाने का उनके पास लाइसेंस था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लीडर्स, और ग्लीडर्स को सी प्लेन्स को वह सब कुछ इन सबको उड़ा सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उनके पास में सर्टिफिकेट था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगिन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और आफ्टर बाद में क्वालिफाइंग एज अ पायलट से क्वालिफाई करने के बाद, यानी पायलट से भी उन्होंने क्वालिफाई किया यानी पढ़ाई की, उसके बाद कल्पना बिगिंस टू कंसिडर अनदर चैलेंज, कल्पना के पास में दूसरा चैलेंज आया अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा स्पेस शटल जो प्रोग्राम था उसमें अप्लाई किया। शी वॉज अ फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, उन्हें पहली बार रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा ने मतलब अपॉइंट किया। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और इन 1994 में उनको सेलेक्टेड किया गया नासा के द्वारा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट के रूप में, अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग के लिए नासा ने उनको सिलेक्ट किया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वॉज लाइक बीइंग अ वुमैन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड, जब उनसे कोई भी पूछता है इट वॉज लाइक बीइंग अ वुमैन इन हर फील्ड, कि इस फील्ड में औरतें, तब वह जवाब देती हैं शी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमैन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। तब वो आंसर देती हैं वास्तव में आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने कभी नहीं सोचा था वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमैन, कि मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी, या फिर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ करूँगी। आई वॉज अ वुमैन, कि मैं एक औरत हूँ और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि मैं एक छोटी सी सिटी की हूँ, डिफरेंट कंट्री और किसी दूसरे देश की हूँ। वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में, अपनी पढ़ाई के अलावा डूइंग एनीथिंग एल्स, उसके अलावा मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम, वो कहती हैं मैं
बहुत सारे जो मेरे सपने थे, मैं सिर्फ उनसे प्यार करती थी लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। यानी कि जिस तरह से कोई भी किसी चीज़ को मतलब पसंद करता है, उसी तरह मैंने अपने सपनों को पसंद करा और मैंने उनका पीछा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों तरफ रहते हैं, फॉर्चुनेटली भाग्य से ऑलवेज इनकरेज्ड मी एंड सेड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू कैरी ऑन। और जो मेरे भाग्य से जो लोग मेरे चारों तरफ रहते हैं, उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, कि अगर वह जो चाहती है वो कर सकती है। वो कहती है कि लोग मुझसे कहते थे कि मतलब कभी भी व्हेन आस्क्ड, वो कहती है जब मुझसे पूछा गया इट वॉज़ लाइक बींग अ वोमैन, कि इस फील्ड में वोमैन, तब वो कहती है आई रियली नेवर हैव थॉट, कि मैंने कभी नहीं सोचा था वाइल परस्यूइंग माई स्टडी, कि मेरी जो स्टडीज़ है, मेरे जो मैंने पढ़ाई की, डूइंग एनीथिंग एल्स, और जो कुछ भी मैं करती हूँ, दैट आई वॉज अ वुमैन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक औरत हूँ, एक पर्सन हूँ जो कि बहुत छोटे शहर की हूँ और डिफरेंट कंट्री और दूसरे देश की हूँ और अलग तरह के देश के हूँ। USA में जाके मैंने कभी ये नहीं सोचा। आई प्रेटी मैड मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। वो कहती है मैंने सपने देखे लाइक एनी वन एल्स, जो कोई भी देखता है, आई फॉलोड दैम, और मैंने उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया उन सपनों का। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों तरफ रहते हैं, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी एंड सेड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। और हमेशा ही वर अराउंड मी, फॉर्चुनेटली वास्तव में जो लोग मेरे चारों तरफ रहते हैं, भाग्य से ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित किया एंड सेड, और उन्होंने कहा इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, कि अगर जो वह चाहती है कैरी ऑन, वह वो कर सकती है। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था, जो इन द स्पेस शटल कोलंबिया, जो स्पेस शटल थी कोलंबिया, उससे 15 days 16 hours and 34 minutes मतलब चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, और उस दौरान जो कोलंबिया स्पेस शटल था उसमें 252 जो पृथ्वी के थे वो चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियंस किलोमीटर जो थे उस इतनी स्पीड में उन्होंने चक्कर लगाया। द क्र्यू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जो क्र्यू था, जो भीड़ थी, इंक्लूडेड अ जापानी, उस क्र्यू में जापानीज थे और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्र्यू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलीनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। पॉलीनेटिंग प्लांट्स की प्लांट्स जो थे वहाँ लगाए टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि जो पौधे लगाए उन्होंने देखा कि वहाँ से उसमें फूड उगता है या नहीं उगता है। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और उन्होंने टेस्ट किए स्ट्रॉन्गर जो मेटल था उस पर उन्होंने टेस्ट किया एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर चिप्स जो थे उन्होंने वहाँ कंप्यूटर चिप्स का टेस्ट किया, मतलब बनाया, ऑल फॉर अ प्राइस टैक्स ऑफ अबाउट $56 million, और इन सब में $56 million था वो खर्च हुआ। ऑन द सन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। ऑन द सैटरडे नाइट को व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया, जब न्यूज़ मिली कोलंबिया की डिजास्टर, यानी कि उसके नष्ट होने की, डिजास्टर ब्रोक, देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ, और तब ये बहुत ही ज़्यादा दुखद था और डिसबिलीफ, विश्वास ना करने योग्य था। जब सैटरडे नाइट को कोलंबिया की ये न्यूज़ मिली कि वह टूट चुका है, यानी नष्ट हो गया है, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, तब बहुत ही ज़्यादा दुख और ना विश्वास करने, यानी किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कोलंबिया जो स्पेस शटल था वो नष्ट हो गया। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स स्टेट ग्लोड टू देयर टेलीविजन सेट्स अ होप दैट द कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। A journalist wrote, "The town of the Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived." जो करनाल के, जो करनाल शहर के लोग थे, वो पूरी रात जो होती है वो सोते नहीं है, ये देखने के लिए thousands of households, यानी कि हजारों की संख्या में जो household होते हैं वो लोग
टेलीविज़न पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए ये देखते हैं, इस आशा से देखते हैं कल्पना और जो उसके साथी थे हैड समहाउ सर्वाइव, वो कैसे जीवित रहते हैं यानी किस तरह से सर्वाइव करते हैं। जर्नलिस्ट रोट, जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट ने, एक पत्रकार ने लिखा है, शी वॉज अ हीरोइन, की वह एक हीरोइन थी, एक नायिका थी। इट टेक्स इन ए नंबरस एबिलिटी टू बिकम एज एन एस्ट्रोनट, और उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, बहुत सारी एबिलिटी थी एस्ट्रोनट बनने के लिए, उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटी थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी एज एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियर इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनट। यू नीड टू नो, तुम्हें जानना चाहिए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी, कि वह सब कुछ जानती थी बायोलॉजी के बारे में, टू एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, टू एरोनॉटिकल इंजीनियर, टू एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए जो एस्ट्रोफिजिक्स होता है उसके लिए भी वह एबिलिटी थी उनके अंदर। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस उम्र में सुपर स्पेशलाइजेशन थी, वो एक तरह से स्पेशल थी यानी उनके अंदर हर क्वालिटी थी। टू यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट के लिए जो एनसाइक्लोपीडिया यानी हर सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज थी वो उनके अंदर थी, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर, हर तरह की नॉलेज उनके अंदर थी। हर अचीवमेंट इस एव्यू इंस्पायरिंग, उनका जो अचीवमेंट था वो सबको प्रेरणा देने देता है, उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वो बहुत ही इंस्पायर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है कि उन्होंने किस तरह से ये सब कुछ प्राप्त किया। जिस दिन कल्पना चावला का जो कोलंबिया स्पेस था, जिस दिन वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो पूरा शहर जो करनाल था वो अपनी नज़रें टीवी पर गड़ाए हुए था कि क्या होता है, यानी कि क्या होता है, क्या कल्पना के साथ और उसके साथियों के साथ क्या होता है। और जब कल्पना इस दुनिया में नहीं रही, तब एक जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने लिखा था कि जो कल्पना थी वो एक नायिका थी और उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटी थी, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी एस्ट्रोनट बनने के लिए। वो सब कुछ जानती थी बायोलॉजी से, जो बायो सब्जेक्ट्स होता है उसके बारे में मैं सब कुछ, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं सब कुछ जानती थी। उनके अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन यानी वो हर सब्जेक्ट्स में, हर फील्ड में, इस एरोनॉटिकल का जो फील्ड थी उसकी हर फील्ड में वो बहुत ही एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज रखती थी, यानी हर सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखती थी। और उनका जो अचीवमेंट था, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया, वह सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the sky, had become an inspiration. For millions of young Indians, बहुत सारे जो millions की संख्या में जो young Indians थे, युवा जो Indians थे, the story of Kalpana Chawla, जो story थी Kalpana Chawla की, a girl from the small town, एक लड़की जो कि बहुत छोटे से शहर की थी, who touched the sky, और जिसने आसमान को छुआ, had become an inspiration, वह प्रेरणा यानी कि वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, और अपने मैसेज में सी सेंट फ्रॉम द अब्रॉड द स्पेस, और उसने अपने मैसेज में सभी के लिए मैसेज जो था वो भेजा था, फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, अपने जो स्टूडेंट्स थे उसके, यानी जो उसके विद्यार्थी थे जो चंडीगढ़ जिससे स्कूल से उसने पढ़ाई की थी और वहीं के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उसने स्पेस शटल कोलंबियो से मैसेज की भेजा था। कल्पना सेट, कल्पना कहती है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सपनों का जो रास्ता है वो आपके पास मौजूद है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, हो सकता है कि आप जो आपने सपने देखे हैं उनको खोजें और उनको सफल करने का साहस रखें। म्यू हैव द, उसने कहा कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सपनों का जो रास्ता है वो आपके पास मौजूद है। म्यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, आप द करेज टू गेट ऑन इट, कि आप, हो सकता है कि आपने जो सपने, हो सकता है जो सपने देखे हैं उनको खोजें और उनको सफल करने की हिम्मत रखें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपको आपकी जर्नी के लिए, आपकी यात्रा के लिए
शुभकामनाएं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। देयर विल श्योरली, मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जर्नी की उन्होंने शुरुआत कर दी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो उन्होंने जर्नी है वो शुरू कर दी होगी कुछ लोगों ने। थैंक यू स्टूडेंट्स।